अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बंदा कमेंट कर रहा था भाई, अगर मलेशिया में जाके अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे फल गिर जाता है या तो फिर पैर में लोडिंग जाता है या तो फिर पत्ता गिर जाता है हाथ में, तो उसके लिए क्या इलाज है, क्या उसके लिए कंपनी कुछ देता है? तो मैं आज चले आपको मैं इसी टॉपिक में आज बात करने वाला हूँ कि आज कंपनी क्या देता है आपको और किस चीज़ का आपको मदद करता है। तो आपको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जाएगा। अगर पहले मेडिकल यहाँ पर साइड में ही एक मेडिकल रहता है, जैसे कोई आपके पत्ता गिर गया या आपका पैर में लोडिंग चला गया या तो फिर आपके साबित गिर गया किसी तरह आपका हाथ में या पैर में, तो आपको यहाँ पर ऑफिस में ही एक मेडिकल रहता है। अगर मेडिकल में चेकअप से अगर आपका इलाज नहीं होता है तो आपको फिर हॉस्पिटल लेके जाएगा, उसके बाद आपको हॉस्पिटल में इलाज होगा। अगर हॉस्पिटल में आपका इलाज नहीं होगा तो आपको फिर बड़ा हॉस्पिटल में भर्ती करा जाएगा। अगर वहाँ पर भी ठीक नहीं होगा तो आपको फिर घर भेज देगा। इमरजेंसी में आपको एक महीने के अंदर घर भेज दिया जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, मलेशिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको प्रॉब्लम होगा। अगर काम करते करते कोई भी हादसा हो जाता है या एक्सीडेंट होता है तो इसके लिए कंपनी ज़िम्मेदार है। वो कंपनी आपको जिस तरह लाया था आपको घर भेजेगा, किसी तरह भी आपको घर भेजने का इंतज़ाम वो कर देगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी एक्सीडेंट होता है भाई, जैसे कांटा भी लग जाता है ना पत्ते में, ये पत्ता है पेड़ का, पत्ते में बहुत बड़ा बड़ा कांटा रहता है, उंगली में चला जाता है, इसके बाद पैर में भी लगता है। अगर आपका पैर में भी लगता है या उंगली में भी लगता है तो इसके लिए भी इलाज किया जाता है भाई, ठीक है। पैर का ये कांटा जो है रहता है ना, इसमें बहुत मेहनत का ये पेड़ में पत्ता में पेड़ के पत्ता में जो भाई ये बहुत बड़ा बड़ा कांटा भी रहता है, तो वो ये कांटा गिरने के बाद किसी का पैर में भी लगता है। हालांकि बूट पहना हुआ रहता है तो भी मतलब कांटा लग जाता है, किसी तरह वो बूट के अंदर चला जाता है। तो आप हाथ में ग्लोव्स पहने हैं या हाथ कवर पहने हैं तो भी अगर आप सुसुम कर रहे हैं पत्ते को तो भी आपका हाथ में लग ही जाता है। तो इसके लिए भी बहुत दर्द होता है, ऐसा नहीं है कि कांटा है, ये तो कांटा बहुत दर्द होता है। उसके दर्द होने का भी यहाँ पर इलाज किया जाता है, आपको दवाई देगा, इसका मेडिसिन आपको दिया जाएगा। इससे आपका फिर इलाज नहीं होता है तो आपको फिर बॉस यहाँ का बॉस या कोई मांडू आपको गाड़ी में लेके हॉस्पिटल जाएगा तुरंत। यहाँ पर अगर इलाज नहीं होता है, ऑफिस में दवाई रहता है तो ज़्यादा बड़ा चीज़ का दवाई नहीं रहता है, बंडिस वंडिस कर देता है छोटा मोटा या टेबलेट दे देता है, उसके बाद और ज़्यादा दवाई नहीं रहता है ये लोग के पास। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बुखार उखार तो आपको फिर इसके लिए हॉस्पिटल लेके जाता है। तो मेरा वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और अपडेट आपको देता रहूँगा। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं आपके लिए हर सवाल का मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा। बहुत बंदा वीज़ा के लिए भी कमेंट करता है भाई, वीज़ा ओपन हुआ या नहीं हुआ? भाई अभी मलेशिया का अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, अभी वीज़ा ओपन नहीं हुआ है। शायद छोटा मोटा कंपनी में हो सकता है, FGB फेल्टा या तो KLK और बहुत सारा कंपनी है, बड़ा सेंटर भी कंपनी है, इस सब में आपका अभी वीज़ा नहीं ओपन हुआ है। ओपन होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा आपका एजेंट के द्वारा, आप जिस एजेंट के द्वारा आना चाहते हैं आपको पता चल जाएगा। अभी लेकिन वीज़ा ओपन नहीं हुआ है, वीज़ा ओपन होगा तो आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। चलिए भाई, अस्सलाम वालेकुम।